ग्वालियर में रात के अंधेरे में शहर की सीमा में आने वाले ट्रकों से एंट्री वसूलने वाले पुलिसकर्मियों को अफसरों ने रंगे हाथ पकड़ा है। दो पुलिस जवानों को ट्रेनी आईपीएस ने ट्रक में यात्री बनकर सफर करने के दौरान पकड़ा है, जिसके बाद एक बार फिर शहर के एंट्री पॉइंट पर ट्रकों से अवैध वसूली का खेल सामने आया है। पुलिस अफसरों की शिकायत पर एसएसपी अमित सांघी ने दोनों पुलिस जवानों को सस्पेंड कर दिया है, साथ ही मामले की जांच के आदेश भी दिए हैं। ये अभी कुछ 4-5 दिनों से शिकायत आ रही थी कि रात के समय कुछ एक दो कर्मचारी हैं जो एंट्री वगैरह लेते हैं और कुछ उनका आचरण संदिग्ध है। इस पे सीएसपी ग्वालियर और आईपीएस प्रोबेशनर को ट्रक में भेजा गया था और उनके द्वारा दो जगह गड़बड़ी पाई गई, जिसपे उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने पे दो आरक्षकों को, जिसमें से एक झांसी रोड का, एक थाना गिरवई कैन को निलंबित किया गया। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।